प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में PSA ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में भी ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। इसी कड़ी में रेल कर्मियों के व्यापक स्वास्थ्य हित के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय धनबाद के मंडल रेल अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल अस्पताल एवं सेंट्रल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में PSA ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के मंडल रेल अस्पताल में PSA ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों की सुविधा के मद्देनजर इस अस्पताल की क्षमता 60 बेड से बढ़ाकर 115 बेड की व्यवस्था कराई थी। आज ऑक्सीजन प्लांट के चालू हो जाने से अब किसी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन नहीं देना होगा, बल्कि हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन द्वारा की जाएगी, जैसे कि किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती है, वैसे ही इस रेलवे अस्पताल में भी ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर साधना सिंह विधायक, सुशील सिंह विधायक एवं मंडल रेल प्रबंधक राजेश कुमार पांडे सहित अन्य उच्च अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित। उत्पादन की संयंत्र को हम लोग कह सकते हैं कि हर राज्य में और हर कस्बे में आज ऑक्सीजन की जो उपलब्धता का जो महत्ता समझ में आया, शायद कोविड के चुनौती ने हम लोग को कई चीज सिखाया। शायद ऑक्सीजन की महत्ता को उस प्रकार से देश और दुनिया ने नहीं समझा होगा जो इस कोविड कालखंड में हम लोगों ने समझा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब चुनौतियाँ आती हैं तो अवसर भी तलाश के लाती हैं, और मुझे लगता है कि उनकी उसी सोच का परिणाम था कि आज देश के हर अस्पताल जिले स्तर पर भी मैक्सिमम जगह ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता का विषय पिछले 6-8 महीने में कर लिया गया। आप सोच सकते हैं कि मार्च अप्रैल में ये समस्या बढ़ी और आज हम लोग 9 अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हैं। अगले 6 से 7 महीने में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा जिला बचा हो, या एक जिले में 5-6 जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ तो सभी स्थान हो गए। और आज जब इस विशेष जो हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इस परिसर में भी 200 बेड जो हॉस्पिटल होता है यहाँ पर भी ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड तक पहुँचे, इसकी भी योजना में रेलवे ने सहयोग करके काम किया है। मैं इसके लिए रेलवे के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का दिन इसलिए विशेष है कि अपने प्रधानमंत्री जी का जो लोक सेवा का 20 वर्ष आज के दिन पूरा हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में सेवा का काम शुरू किए, और आज उस लोक सेवा के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। और आज ही के दिन ये विशेष जो ऑक्सीजन हम लोग करते हैं कि आज जीवन रक्षक है, उसका आज एक हर हॉस्पिटल में इसकी सुविधा ऑक्सीजन प्लांट के रूप में दी जा रही है, तो बहुत ही मेरा मानना है कि शुभ चीज़ है। लोग उस इमरजेंसी सर्विसेज को आज के दिन शुरुआत करना, लोगों को सुविधा देना। मैंने एक वीडियो देखा था जब कोरोना कोविड कालखंड चल रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन लेकर चलने वाला जो ड्राइवर था, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में उसकी चर्चा की, कैसे एक एक ड्राइवर तत्पर था कि मुझे ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा देना है। मेरे अगर 24 लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।